जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपसे कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स्ट आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुका आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि अभी जो हमने रोज़ दोपहर 1 बजे आर्मी जीके की ऑन डिमांड स्पेशल क्लास शुरू की हुई है, जिसमें कि आज हम लोग क्लास करेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियों को लेकर, ठीक है। और ये जो आपका क्लास होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के क्वेश्चन को लेकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम को लेकर। इस सीरीज़ से आपको पर डे कोई ना कोई हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जल्दी से सबको वीडियो को शेयर करिए, जल्दी से सबको क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास क्वेश्चन को जल्दी से लाइक करो यदि अभी तक आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया है। और उसके साथ साथ जो भी चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन याद रखिए, रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास आती है। तो हमारी दोनों क्लासेज में आप सब जरूर जुड़े। तो चलिए अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की क्लास को। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर ली जाए। और देखिए सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जुड़ने के बाद आपको सभी जो पीडीएफ में क्लासेज होती हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको रात 9 बजे तक सेंड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो सभी जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे देखो आपका कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, वे व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, किससे जो है निम्न में से देखो आपका हरित क्रांति संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से, निम्न में से किससे जो हरित क्रांति संबंधित है। तो याद रखिएगा हरित क्रांति जो है ये देखो आपका संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से जो है देखो आपका हरित क्रांति संबंधित है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, तिलहन उत्पादन से, टमाटर और मांस उत्पादन से, बागवानी से या फिर देखो दुग्ध उत्पादन से। तो सबको ध्यान में रखिएगा कि जो श्वेत क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो श्वेत क्रांति है ये आपकी संबंधित है देखिए दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, इंडियन आर्मी में मोस्ट रिपीटेड सेशन का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सेशन में से एक ये आता है, एक आपका देखो हरित क्रांति आता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कि नीली क्रांति जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है सभी के आंसर आने चाहिए बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही आंसर सभी की आ रही है, फिश प्रोडक्शन से जो है, मत्स्य उत्पादन से जो आपका देखो नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, जो भूरी क्रांति है उनमें से किससे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, चमड़ा से या फिर देखो आपका आलू उत्पादन से। तो सबको ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी भूरी क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। राइट आंसर क्या होगा, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इससे जो है देखो आपका भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, किससे है, यहाँ पे देखो आपका अंडा उत्पादन से है, सब्जी उत्पादन से है, झींगा मछली उत्पादन से है या फिर देखो तंबाकू उत्पादन से है, जो रजत क्रांति वन इनमें से किससे संबंधित है। तो जो रजत क्रांति है ये कि आपका संबंधित है अंडा उत्पादन से, ठीक है। जो रजत क्रांति है ये संबंधित है देखो आपकी एक प्रोडक्शन से, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी एक प्रोडक्शन से, अंडा उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहां पे आपका दिया हुआ है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द येल्लो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, तिलहन उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजनाओं से, झींगा मछली उत्पादन से या फिर मसाला उत्पादन से, निम्न में से पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो याद रखना सबको, पीली क्रांति बहुत बार आई इंडियन आर्मी में और बहुत बार मैंने भी आप सबको करवाया है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये देखो आपका तिलहन उत्पादन है, ठीक है। जो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो जो पीली क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है तिलहन उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द कृष्ण रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, जो कृष्ण क्रांति ये इनमें से किससे संबंधित है, आपकी गेहूं उत्पादन से या फिर मांस उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से या फिर देखो तिलहन उत्पादन से। चलिए सभी को आंसर कीजिएगा, आपकी राइट आंसर क्या आ रही है, सभी के आंसर आने चाहिए, सही आंसर्स आने चाहिए। पीली क्रांति किससे, यहाँ पे कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है ये जो आप सबको बताना है। तो याद रखिएगा जो कृष्ण क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। बायोडीजल प्रोडक्शन जो है इससे आपका संबंधित है देखो कृष्ण क्रांति, सबको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपकी दी हुई है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, अनाज उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, चमड़ा से, लेदर से या फिर देखो आपकी यहाँ पर दी
हुई है टमाटर एवं मांस उत्पादन से। जो लाल क्रांति हुई इनमें से किसे समझते हैं, सभी को पढ़ाया है और बिना किसी मिस्टेक के सबको जरा आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना सबको, जो लाल क्रांति ये किसे समझते हैं, तो लाल क्रांति देखो आपकी संबंधित है टमाटर एवं मांस के उत्पादन से, टोमेटो एवं मीट प्रोडक्शन जो इससे आपकी संबंधित है, देखो टमाटर एवं मांस उत्पादन से जो है संबंधित है आपकी, देखो लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द बादामी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, किससे, फल उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है, चावल उत्पादन से है, या फिर देखो मसाला उत्पादन से, स्पाइस प्रोडक्शन से है। जो बादामी क्रांति है इनमें से किससे संबंधित है, तो सबको एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो बादामी क्रांति है ये देखो आपका संबंधित होता है मसाला उत्पादन से, ठीक है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो जो बादामी क्रांति है ये देखो आपकी संबंधित है मसाला उत्पादन से। सबके आंसर क्या देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मसाला उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहां पे आपका दिया हुआ है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द सुनहरी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, नदी जोड़ो परियोजनाओं से, टमाटर उत्पादन से, फल उत्पादन से, या फिर देखो आपकी दी हुई है चाय उत्पादन से। जो आपकी यहाँ पे सुनहरी क्रांति है उन्हें इनमें से किसे संबंधित है, तो सबको एक चीज ध्यान में रखना, जो सुनहरी क्रांति है ये देखो आपकी संबंधित है फल उत्पादन से, फ्रूट प्रोडक्शन से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जो फल उत्पादन है, फ्रूट प्रोडक्शन है, इससे देखो आपका सुनहरी क्रांति संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द गोल रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, चाय उत्पादन, तंबाकू उत्पादन, अनाज उत्पादन, या फिर आलू उत्पादन। मैंने आप सबको बहुत बार ये पढ़ाया है, सबको आंसर कीजिएगा बिना किसी मिस्टेक के कीजिएगा, ठीक है। सबको बताने की जो गोल क्रांति है इनमें से किसे संबंधित है, सभी के आंसर आने चाहिए और बिना किसी मिस्टेक के आप सब बताइएगा। तो याद रखिएगा जो गोल क्रांति है किससे संबंधित है, तो जो गोल क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से, ठीक है। जो गोल क्रांति है वो आपकी संबंधित है आलू उत्पादन से, किसे समझते हैं, तो पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहां पे आपकी दी हुई है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, क्या है, देखो यहां पे आपका व्हाट इज द स्वर्ण रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, बागवानी से है, चमड़ा से है, सब्जी उत्पादन से, या फिर अनाज उत्पादन से। चलिए तो आपके आंसर आएंगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा, सबको बताना कि जो स्वर्ण क्रांति और इनमें से किससे संबंधित है, सभी के आंसर आने चाहिए और बिना किसी मिस्टेक के सबको बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या पूछा है कि स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है, जल्दी से आंसर करो बिना किसी मिस्टेक के बताना। तो याद रखना जो स्वर्ण क्रांति है किससे पूछा है, अनाज उत्पादन से है, सब्जी उत्पादन से है, चमड़ा उत्पादन से है, बागवानी उत्पादन से है। तो जो स्वर्ण क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है बागवानी से, ठीक है। बागवानी से जो है आपका, गार्डनिंग से जो है देखो आपका संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबको ध्यान में रखिएगा राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास क्वेश्चन सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स का जिनकी भी एग्जाम होने वाली, जिनको भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके साथ साथ चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करिए और ऑल पर जो है आप सब सेट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहां पे आपका दिया हुआ है कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है, व्हाट इज द खाकी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजनाएं से, या फिर देखिए चमड़ा से। इनमें से जो खाकी क्रांति है वो किससे संबंधित है, यह आप सबको यहां बताना बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते इंपॉर्टेंट है और यह 2018 के पेपर में बहुत ज्यादा पर पूछा गया, 2019 के पेपर में। सबको बताइएगा कि खाकी क्रांति जो है मैं उनमें से किसे संबंधित है, तो याद रखना जो खाकी क्रांति है ये देखो आपका संबंधित है चमड़ा से, ठीक है। लेदर से जो है, लेदर के प्रोडक्शन से जो है, चमड़ा से जो है आपका, देखिए खाकी क्रांति संबंधित है, सबको याद रखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है यहां पे देखो आपका कि हरित क्रांति का अधिक प्रभाव कौन सी कृषि पर पड़ा, विच एग्रीकल्चर हैड द मोस्ट इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए नाम बताना है आपको, ठीक है, नाम बताइएगा जरा, क्योंकि मैं आप देखो सबके नाम देखना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि नाम आएंगे तभी सही रहेगा। मैंने यहां पे आपको ऑप्शन नहीं दी है, सबको नाम बताइएगा, ठीक है। सबको को जो है नाम बताना है कि हरित क्रांति का अधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ा, कौन सी कृषि पर पड़ा, सबको जरा आंसर करो। तो चलो सभी के आंसर नहीं, बिना किसी मिस्टेक के बताइएगा और जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबके आंसर लगभग आ रहे हैं। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो देखिए आपका किस किस पर पड़ा, तो वो पड़ा था देखो आपका गेहूं पर, ठीक है, एंड पड़ा था देखो आपका चावल पर। गेहूं एंड चावल ये दो ऐसे फसल हैं जिन पर कि देखो आपका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का सबसे अधिक, याद रखते हुए बढ़िएगा। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल से पड़ा है। बहुत बार पूछता है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किस फसल पर पड़ा, उसमें से कहीं आपको गेहूं मिलेगा, कहीं चावल मिलेगा, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा है और चावल पर पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहां पे देखो आपका कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलिए जरा बताइएगा तो कि भारत में जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय किसके दिया जाता है, भारत में हरित क्रांति जो है किसके द्वारा लाया गया था, यह आप सबको यहां पर बताना है। तो याद रखिएगा सबको और सभी को, मैंने पढ़ाया भी है,
लगभग हर एक को मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, लगभग सभी को मैंने पढ़ा रखा है। सबको बताओ कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा सबको, भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है वो किसको मिलता है, तो वो देखो मिलता है आपका डॉक्टर, जल्दी से आंसर करो, मैं हिंट करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा जो श्रेय मिलता है वो मिलता है देखो आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। किसको मिलता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है इनको श्रेय मिलता है आपका देखो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सबका हो गया होगा, इनको जो है श्रेय मिलता है हरित क्रांति लाने का इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं, आपको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा भारत में जो श्वेत क्रांति है उसके जनक के रूप में देखो जाना जाता है आपका किसको, तो जाना जाता है देखो डॉक्टर वी कुरियन को, ठीक है। डॉक्टर वी कुरियन जो है इनको देखो जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, नाम याद रखिएगा डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है, वी कुरियन है डॉक्टर वी कुरियन, इनको जो है देखो यहां पे आपका भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। सबको याद रखिएगा और याद करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे तो आपका हो गया, अब मेरी ओर से आपको एक होमवर्क मैं पढ़ देता हूं, आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और सभी को यहां से बताना पहले जैसा ही। होमवर्क आपका ये है, सबको एक बताना है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय आपको पता है कि डॉक्टर एस एन स्वामीनाथन को मिल गया, ठीक है, मतलब कि एम एस स्वामीनाथन को मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका होमवर्क है वो ये है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं, ये पूरा विश्व का आपको बताना है, इंडिया का नहीं, हरित क्रांति का जनक के रूप में किसको जानते हैं पूरा विश्व में, ठीक है। ये तो इंडिया का था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे इंडिया के, आपको बताने कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रूप में किसे जानते हैं पूरे के पूरे किस में, तो वर्ल्ड में सबको याद रहेगा। चलिए सबको बताइएगा कि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, सभी को मैं टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, सबको बताएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, अब आज की क्लास को, आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो शाम 7 बजे, ठीक है, जब आएगी आपकी देखो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास, जिसमें हम लोग ओरिजिनल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं रोज 7:00 बजे। तो चलिए सभी को जुड़िएगा 7:00 बजे, जिसमें हम लोग अटेंड करेंगे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को। और देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, जिससे जो भी क्लासेज होंगी, जो भी अपडेट होंगी एग्जाम रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिल पाए इंडियन आर्मी की। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर करिए, यदि अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है। उसके साथ साथ देखो यदि आपने पूरी पूरी क्लास अटेंड कर ली है और अगर अभी भी आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपकी ये क्लासेस लाने के लिए। सभी लोग जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करो, अप्रिशिएट करो हमें भी। उसके साथ साथ लाइक करने के बाद सभी को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, अब सीधे आपसे मुलाकात होगी 7:00 बजे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत।